हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विथ अ स्माइल मनीषा। तो चलिए आज बनाते हैं बीटरूट का की हेल्दी रेसिपी। बनाते हैं बीटरूट का हलवा, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे साथ में बड़े भी खाएंगे और सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो भी आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में या पैन में घी डालेंगे 2 बड़े चम्मच। इसको मेल्ट होने देंगे अच्छे से। तो ये मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो इसमें कटे हुए जो हमने काजू हैं वो डालेंगे और उनको थोड़ा रोस्ट करेंगे। उसके बाद कटे हुए पिस्ता डालेंगे, दोनों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अखरोट ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ये है ब्लैक वाली किशमिश, इसको हम बाद में ही डालेंगे और डालने के थोड़ी सी ही देर में निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये फूल जाते हैं, काफ़ी जल भी जाते हैं। तो ये जब हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड बीटरूट यानी घिसा हुआ चुकंदर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये घी में अच्छे से हो जाए। अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप घी और 1 चम्मच डाल के इसको भून सकते हैं। हमने बाद में 1 बड़ा चम्मच घी और इसमें ऐड किया है और फिर इसको अच्छे से चारों तरफ से अलग पलट के फ्राई किया है। जब ये थोड़ा अच्छे से भून जाए, आपको लगे कि सब अच्छे तरह से इसमें घी लग गया है, उसके बाद ये ग्रेटेड एप्पल है ये इसमें ऐड करेंगे। एप्पल को हम पहले से छील के नहीं रखेंगे। जब हम सब चीज़ें इसमें डाल देंगे पैन में, उसके बाद ही एप्पल छील के या बिना छीले जैसा आप पसंद हो, और तब ग्रेट करके इसमें डालेंगे। क्योंकि पहले से अगर हम ग्रेट करके रखेंगे तो काला पड़ जाता है एप्पल। वो अच्छे से मिक्स करेंगे डाल के, वो मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मेरे पास थोड़ा सा नारियल का बूरा था, उसका हमने लड्डू बनाया था, तो वो लड्डू बच गए थे, वो हमने इसमें मिक्स किया है। आप नारियल का बूरा मार्केट में जो अवेलेबल होता है, फ्रॉस्टी की शॉप्स मिल जाएगा आपको आसानी से, वहाँ से आप ले सकते हैं। वो इसमें मिक्स कर दीजिएगा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करिएगा। फ्लेम को धीमा ही रखिएगा, तेज मत करिएगा। सभी चीज़ें देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। अर्ली फूड फुल फैट क्रीम दूध हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम इसमें मेवा नहीं डाल रहे हैं, खोया नहीं डाल रहे हैं हम इसमें, इसे हम दूध में ही पकाएंगे। तो 1 कप दूध डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे। ये देखिए दूध इसमें काफ़ी अब्सॉर्ब हो गया है। अब हम सबसे लास्ट में डालेंगे चीनी। चीनी हमने 1 बड़ी कटोरी ली है। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिन लोगों को शुगर है वो लोग इसमें चीनी ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीटरूट में तो ऑलरेडी शुगर होती है। और अच्छे से इसमें चीनी डाल दी है। देखिए अब चीनी ने अपना थोड़ा पानी छोड़ा है, मेल्ट हुई है चीनी। अब इसको थोड़ी देर धीमी गैस पे ही हम भूनते रहेंगे ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए और सूख जाए। गैस को फ्लेम को धीमा ही रखेंगे। इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए अब हमने ओपन किया है तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और ये बीटरूट था थोड़ा सा पक भी गया है। अब अच्छे से चला के इसको
10 मिनट के से 10 से 15 मिनट धीमी गैस पे ही इसकी चाशनी को थोड़ा सूखने देंगे, दूध और चाशनी जो है उसको सूखने देंगे। गैस को हमेशा धीमे ही रखेंगे और चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। ये देखिए काफ़ी सूख गया है, अब हमारा हलवा रेडी हो गया है, चुकंदर का यम्मी यम्मी हलवा। ये देखिए हमने सर्व किया है। गाजर का हलवा तो सभी खाना पसंद करते हैं, एक बार इसको भी बना के ज़रूर देखिएगा। बड़ों के साथ बच्चे भी इसको अच्छे से खाएंगे और फिर अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।